देश की मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ा है। स्कूल कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कराने की कोशिश जरूर की, लेकिन बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। तो अब जब सरकार की तरफ से रियायत देने का सिलसिला जारी है तो संकेत मिलने लगे हैं जल्दी ही स्कूलों पर लटके ताले भी खुल जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्णबंदी का पहला चरण लागू होने से पहले ही देश में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। करीब दो महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाए हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है, हालांकि स्कूल कॉलेजों में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलेंगे। संभावना है कि शुरुआत में प्राइमरी क्लास तक के छात्रों के स्कूल आने पर रोक लगे। ऐसे में शिक्षण संस्थान 8वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए खुल सकते हैं। संस्थानों को खोलने और प्रवेश परीक्षा से लेकर बोर्ड परीक्षा तक गृह मंत्रालय के निर्देश पर मानव संसाधन मंत्रालय ने सेफ्टी गाइडलाइन तैयार कर ली है, जिसे अगले हफ्ते तक जारी किया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से स्कूल में थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे। थर्मल स्कैनर का प्रयोग करने, सामाजिक दूरी के साथ रहने, बैठने, खाने को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। एक बेंच पर एक ही छात्र बैठेगा। थ्री सिटिंग बेंच में बीच की सीट खाली रहेगी। स्कूली बच्चों के अलावा शिक्षक और कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने पहनकर स्कूल आना होगा। स्कूल बस में एक सीट पर एक छात्र बैठेगा। दो शिफ्ट के साथ ऑड इवन रोल नंबर के साथ छात्र को बुलाया जा सकता है। SDM और DM पर औचक निरीक्षण के साथ गाइडलाइन का पालन करवाने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा पाठ्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है। पूर्णबंदी के दौरान हुए पढ़ाई के नुकसान को कम करने के लिए CBSE बोर्ड पाठ्यक्रम को कम करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पाठ्यक्रम कितना कम होगा, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।